जैसे कि आप स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं ये रिंग लाइट मैंने कैसे अप्लाई किया है। और YouTube में आप कोई भी वीडियो को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं, मतलब कि आपने अपने फोन को बंद कर दिया और बैकग्राउंड में वीडियो चलते रहे, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फोन को एक हाथ से यूज करते हैं गाइस, तो ऊपर वाला जो आइकन होता है ना वो उसमें टच नहीं कर सकते हैं आप, मगर मैं आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर वाले एक फीचर बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक हाथ से कोई भी आइकन को टच कर सकते हैं। तो लो गाइस, आज हमारे पास में ओप्पो F23 5G वाला स्मार्टफोन और इसके मैं आपको काफी कमाल के 30+ अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ। अब चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम एहसान है, आप देख रहे हैं टेक टू एहसान चैनल। तो यार सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो गाइस आपको देखो स्प्लिट स्क्रीन में अपने फोन को चलाना है, जैसे कि एक एप्लीकेशन ऊपर हो गया एक एप्लीकेशन नीचे, इस तरह से अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इस तरह आपको चलाना है अपने फोन को। तो ये 3 फिंगर है ना, आप 3 फिंगर को यूज कर सकते हैं, मतलब कि पहले आप एक एप्लीकेशन ओपन करना, उसके बाद में एक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से करेंगे आप तो स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब दूसरा एप्लीकेशन भी आप ओपन कर लो और इसके बाद में आप 2 एप्लीकेशन एक साथ में ही यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस काफी कमाल का फीचर्स था ना। हाँ, तो यार 2 एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, 2 एप्लीकेशन आप चला रहे हैं, आपने पहले खोला था इंस्टाग्राम और अभी आप चला रहे हैं फेसबुक, और आपको जल्दी से इंस्टाग्राम ओपन करना है, मतलब कि प्रीवियस एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, तो आप देखो जो प्रीवियस बटन होती है नीचे साइड में उसे आप डबल प्रेस करेंगे ना तो इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है प्रीवियस वाला, वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। स्क्रीन शॉट आप लेते हैं, आपको पता भी है, आप वॉल्यूम बटन और पावर बटन को प्रेस करते हैं तो जो स्क्रीन शॉट है वो निकल जाती है, या फिर गाइस 3 फिंगर से आप इस तरह से करते हैं तो स्क्रीन शॉट जो हमारी निकल जाती है। इसी के साथ में आपको लॉन्ग स्क्रीन शॉट लेना है गाइस, जैसे कि कुछ लंबा पेज है और आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं लंबा वाला, तो वो भी आप ले सकते हैं 3 फिंगर से इस तरह से करना और स्क्रॉल वाला ऑप्शन आएगा, लॉन्ग स्क्रीन शॉट यहाँ से निकल जाएगी कुछ इतनी सारी, और इसमें एडिट वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो आप इनको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अब यार आप पब्लिक में कहीं पर अपने मोबाइल को यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या फिर कोई प्राइवेसी वाला कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आइट साइड वाले जो बंदे वगैरह है ना आपके फोन को ऐसे ताड़ ताड़ के देखते रहते हैं, तो इससे बचने के लिए आपके फोन में एक फीचर्स मिल जाता है हाइड कॉन्टेंट वाला। आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करके रखे हैं तो यहाँ पर प्रीवियस बटन में आना और ऊपर 3 डॉट मिल जाएगा, 3 डॉट में हाइड कॉन्टेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप क्लिक कर देते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है ना हाइड हो जाएगा, प्रीवियस वाले जो एप्लीकेशन वगैरह हैं वो सारे के सारे हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। अब यार गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में चलाना चाहते हैं, मतलब आप व्हाट्सअप चला रहे हैं व्हाट्सअप के साथ में ही यूट्यूब चलाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं मैसेज वगैरह आप करना चाहते हैं व्हाट्सअप के साथ में ही, तो वो भी आप कर सकते हैं, एक छोटी सी विंडो निकल के आ जाएगी। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो एक एप्लीकेशन ओपन कर लेना आप, अब ओपन करने के बाद में आप 3 डॉट करेंगे, प्रीवियस में जाने के बाद में 3 डॉट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, आप देखो फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी। अब इसे आप छोटा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, मतलब कि इसे काट सकते हैं। हाँ तो गाइस अब आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में और यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला फीचर्स मिलेगा, इसमें क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डार्क मोड मिल जाता है, डार्क मोड से गाइड मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जो आपकी बैटरी ना बहुत ज़्यादा बचती है क्योंकि डार्क मोड में आपका फ़ोन आ जाता है तो सारा डार्क डार्क हो जाता है आपका फ़ोन, जैसे कि आपकी जो बैटरी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होने से बचती है, क्योंकि जो सारे के सारे पिक्सल है ना वो बंद हो जाते हैं, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है ब्राइटनेस की वो बस जलते रहते हैं, मतलब जहाँ ब्लैक आएगा वो सारा का सारा ब्लैक हो जाता है। गाइस इसी के नीचे आप देखेंगे ऑटो ब्राइटनेस वाला ऑप्शन मिलता है, ऑटो ब्राइटनेस मतलब कि आप धूप में जाओगे फिर या छाँव में जाओगे तो इसमें ना आपको एक अच्छा फीचर है, ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस है कम ज़्यादा होती रहती है। ये बैटरी सेविंग वाली टिप्स भी है, मतलब कि मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ, आप ऑटो ब्राइटनेस को चालू करके ज़रूर रखना, इससे आपकी बैटरी भी बचेगी और आपको ना बार बार ऐसे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपको यहाँ पर आई कम्फर्ट मिल जाता है, आई कम्फर्ट में क्या होगा, जैसे कि आप नाइट में अपने फ़ोन को चलाते हैं तो आपकी आंखों में ना बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, इम्फेक्ट पड़ता है, जैसे कि आपको नींद वगैरह नहीं आती है, तो आई कम्फर्ट को आप ऑन कर लेना और इसमें आप शेड्यूल वगैरह भी डाल सकते हैं, नाइट में ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और दिन में ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल बंद हो जाएगा, मतलब आई कम्फर्ट बंद हो जाएगा। अब इसके नीचे आपको फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है, फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं अपने फ़ोन का तो वो बदल सकते हैं, या साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखो डिस्प्ले साइज
साइज मिलता है गाइस, डिस्प्ले साइज मतलब कि आपका जो डिस्प्ले का साइज है ना, उसे आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। और देखो वीडियो को स्किप मत करना, सारे के सारे एक एक करके फीचर्स में आगे आपको बताऊंगा। अब आपने अपने फोन को चलाया और ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप कहीं पर रख देते हैं, तो आपका फोन जो ना जलता रहता है, मतलब ब्राइटनेस उसकी जलती रहती है। इससे क्या होगा, आपकी जो बैटरी है बहुत ज्यादा कंजप्शन करेगा। वो एक मिनट का टाइम सेट है तो एक मिनट तक आपका फोन जलता रहेगा। इससे बचने के लिए यहाँ पर देखो ऑटो स्क्रीन ऑफ वाला एक ऑप्शन मिलता है, मतलब 15 सेकंड से 30 सेकंड, एक मिनट दो मिनट तक इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपका फोन है बंद हो जाता है। तो इसमें आपको मैं कहूंगा कि 15 सेकंड या फिर 13 सेकंड ही आप इसे मैक्सिमम सेट करिएगा। इसके नीचे आप देखेंगे गाइस स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है आपको। स्क्रीन रिफ्रेश रेट मतलब कि यार देखो आपका जो फोन है ना, चलाने का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है यदि आप इसे हाई कर लेते हैं तो। ये पहले से स्टैंडर्ड में 60 हर्ट्ज रहता है, आप इसमें आके 120 हर्ट्ज कर लेना, आपका जो फोन है बहुत ज्यादा मक्खन जैसे चलने लगेगा। अब देखो जो ऊपर साइड का सेंटर है ना, कंट्रोल सेंटर, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं काफी कमाल कमाल के। जैसे कि आपने किसी से वाईफाई लिया है और अब आपको सामने वाले बंदे को भी हॉटस्पॉट देना है, वाईफाई देना है बिना पासवर्ड के, तो वो भी आप देख सकते हैं। मतलब वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ में ही आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर डीएनडी वाला ऑप्शन मिलता है कंट्रोल सेंटर में ही। डीएनडी मतलब कि आप कहीं मीटिंग वगैरह में हैं या फिर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है और आप कहीं चार लोग के बीच में हैं और आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, तो डीएनडी को चालू कर देना, जिससे कि आपके पास में कोई नोटिफिकेशन कॉल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा और आप डिस्टर्ब वगैरह भी नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर स्टेटस बार में ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप क्लिक करके रखेंगे तो सेटिंग में पहुंच जाएंगे। इसमें सेटिंग में आप रेजुलेशन वगैरह, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी है उसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं। वॉइस आना चाहिए, मतलब आवाज वगैरह आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो सारा कुछ आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाके सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर में थ्री डॉट पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद में जो भी आपको फीचर्स चाहिए उनको ऊपर ला लेना, और ऊपर लाने के बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ फीचर्स अच्छे अच्छे आप ऊपर ला लेना, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, और आप जिनको भी हटाना चाहते हैं तो वो हटा भी सकते हैं। अब देखो मिलता है आपको म्यूट नोटिफिकेशन। म्यूट नोटिफिकेशन मतलब कि आप चाहते हैं कोई नोटिफिकेशन आपके फोन में ना आए कुछ टाइम के लिए, तो आप म्यूट नोटिफिकेशन कर देंगे तो कुछ भी चीज की नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब तक ये म्यूट नोटिफिकेशन चालू रहेगा। तो अब ये काफी कमाल का एक फीचर्स मिलता है किड स्पेस। किड स्पेस मतलब कि आपके जो घर में बच्चे वगैरह हैं उनको आप फोन देते रहते हैं तो आप सारा का सारा अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि गाइस आप जो एप्लीकेशन आप सामने वाले को लगा के देंगे वो एप्लीकेशन बस वो बंदा चला सकता है, मतलब बच्चे लोग चला सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब बस सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन दो चार एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो वो एप्लीकेशन बस ओपन होंगे, बाकी कोई भी एप्लीकेशन वहां पर किड स्पेस में देखने को नहीं मिलेगा। और इसे आप एग्जिट वगैरह होना चाहते हैं तो पासवर्ड डलेगा तब जाके ही आप ये इससे एग्जिट होने वाले हैं। तो आपके बच्चे के लिए ये काफी कमाल का फीचर है, इसे भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में ही आपको फोकस मोड मिलता है। फोकस मोड ये काफी कमाल का है, मतलब कि गाइस देखो आप फ्री फायर या इंस्टाग्राम या कोई एप्लीकेशन की ज्यादा आपको एडिक्शन लग चुकी है, मतलब आप ज्यादा देर तक आप एक एप्लीकेशन को चलाते रहते हैं, तो आपको फोकस मोड को ऑन करके जरूर रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आप 30 मिनट आप टाइम सेट करेंगे इंस्टाग्राम में या फ्री फायर में, तो एक मिनट में आप सिर्फ 30 मिनट मतलब आधा घंटा या फिर 60 मिनट आप जितने भी सेट करेंगे उतने देर तक बस आप उस एप्लीकेशन को चला सकते हैं एक दिन में। उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा कुछ इस तरह से, अभी आप देखो, और उसमें ना वो ओपन भी नहीं होगा यदि फोकस मोड चालू रहेगा तो, और नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी उस टाइम में जिसमें आपने फोकस मोड चालू करके रखा है। और इसे आप एक बार सेट कर लेंगे उसके बाद में आप कंट्रोल सेंटर से ही बार बार ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब यार नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फोन जो डायलर होता है ना उसकी सेटिंग में आना है, और सेटिंग ऊपर साइड में आ जाएगा सेटिंग में सिंपली। और यहाँ पर आप देखेंगे कलर आईडी स्पैम वाला ऑप्शन मिल जाता है। कलर आईडी स्पैम मतलब कि आपकी जो कंपनी की कॉल होती हैं या फिर कोई फर्जी कॉल वगैरह होती हैं स्पैम वाली, वो यहाँ पर फिल्टर होके आने वाली हैं यदि आप इस वाले फीचर्स को चालू कर लेते हैं तो। इसमें बैक आना और ब्लॉकेड नंबर का एक फीचर्स मिलेगा। ब्लॉकेड नंबर मतलब आप किसी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप डाल सकते हैं, या फिर ऐड वाला ऑप्शन भी मिलता है, आप यहीं से किसी नंबर को ऐड करेंगे तो वो ब्लैक लिस्ट में चले जाएगा। तो ये काफी कमाल का फीचर है, इसे भी आप ट्राई जरूर करिएगा। अब एक स्टेप बैक आएंगे और यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट वाला ऑप्शन मिलता है। कॉलिंग अकाउंट मतलब कि यहाँ पर ऑटो आंसर वाला एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपने ब्लूटूथ वगैरह फंसाया है अपने कानों में या फिर आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस फंसाया है और बाइक वगैरह में आप चल रहे हैं और एकदम से फोन आ जाता है, तो आप अपने जो ना ऑटो आंसर का यही मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो फोन पिकअप हो जाएगा
3 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद में आप जो भी सेट करेंगे, तो ऑटो आंसर को भी आप ट्राई जरूर करना। अब अगले फीचर्स यहाँ पर आता है, बैक आना आप और मोर वाला ऑप्शन मिलेगा। मोर में गाइस देखो फ्लैश ऑन कॉल वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपकी कॉल आ रही है तो फ्लैश लाइट भी जलेगी, ब्लिंकिंग होने वाली है कॉल के साथ में ही, तो इसे भी आप ट्राई करना। और यहाँ पर कलर आईडी अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन मिलता है, जो भी आपका नाम लिखा हुआ है कॉल आएगी और उसमें जो भी आपने नाम लिख कर रखा है, जो नाम है वो अनाउंसमेंट करके बताएगा आपका फोन। हाँ तो यार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल में लेके आते रहते हैं। अगले फीचर्स की बात करें तो यार यहाँ देखो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल वाला अच्छा फीचर्स मिलता है एक, जिसमें आप बहुत सारे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीम्स मिलते हैं आपको, बहुत सारे थीम्स स्टोर ओपन हो जाता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी वीडियो की, जिसमें आप फ्री थीम अप्लाई कर सकते हैं कोई भी पैड वाले, और यहाँ पर आपको जो भी लगता है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखो आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको मिलता है आपको वॉलपेपर, यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिलते हैं, लाइव वॉलपेपर भी और स्टैटिक वॉलपेपर भी, दोनों में से जो भी आपको पसंद आते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अब आपको अपनी फोटो वगैरह भी सेट करना है तो यहाँ पर आप गैलरी में जाके अपनी फोटो को वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं। आइकन वाला ऑप्शन मिलेगा गाइस, आइकन पर आप क्लिक करिएगा, जो स्टेटस बार जो आपके फोन के आइकन वगैरह होते हैं होम स्क्रीन में, उनका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आप उनकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, साइज चेंज करना चाहते हैं आइकन की, उन्हें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पर आप कलर यूआई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, कलर्स वाला मतलब, इसमें आप क्लिक करिएगा। अब जो सारा का सारा अपना फोन का यूआई होता है ना, उसका स्टेटस बार का हो गया है, सेटिंग का हो गया, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, और या फिर आप वॉलपेपर के हिसाब से रखना चाहते हैं या फिर अपनी मर्जी से आप कस्टम करना चाहते हैं कोई भी कलर, तो यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। हाँ तो देखो अपना यहाँ पर क्विक सेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है, क्विक सेटिंग मतलब स्टेटस बार में जो आपको म्यूडियल वगैरह देखने को मिल रहे हैं उनका आपको जो स्टाइल है चेंज करना है, राउंड वगैरह में, स्क्वायर में, आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ से क्विक सेटिंग से कर सकते हैं। अब यार जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कैमरे में लाइट है रिंग लाइट, आप इसे कैसे लगा सकते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको बता देता हूँ इस वाले जो ट्रिक है इसे आपको कैसे अप्लाई करना है। तो देखो आपको यहाँ पर ऐप मार्केट मिल जाता है, अपने फ़ोन में ही ऐप मार्केट को ओपन करना और रिंग रिंग करके आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको रिंग रिंग करके एक एप्लीकेशन मिल जाता है, डाउनलोड कर लेना, सेटअप वगैरह कर लीजिएगा और यहाँ पर आप ना जो रिंग रिंग एप्लीकेशन चालू कर देना और इसका जो कलर वगैरह है उसे भी आप सेट कर सकते हैं, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं कलर वगैरह इसका जो बैटरी परसेंटेज के हिसाब से, और इस तरह से अब आपकी जो लाइट वगैरह है कैमरे में वो चालू हो जाएगी, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो इसे भी आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो यार जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है और आपको लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं आती है, इसके लिए हम जो बाकी के फीचर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो मैक्स और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।